जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटी एनसीईआरटी की सीरीज़, और आज हम करेंगे क्लास 10th एमसीक्यूज पार्ट 2। सो बिफोर दैट हेयर इज अ पजल फॉर यू, सो यू हैव टू क्रैक दिस कोड। आपको इस कोड को क्रैक करना है एंड इस लॉक को अनलॉक करना है। यहाँ पर कुछ हिंट्स दी हैं और यहाँ पर फिर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, राइट। सो पहली हिंट है 482, दूसरी है 416, फिर है 204738780, और नीचे फिर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 482 में वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, इनमें से तीन में से एक नंबर ठीक है और अपनी सही जगह पर है। 416 में वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली पेस्ट, इसमें भी एक नंबर है जो ऊपर आएगा लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं है। सो एंड सो फोर, तो आप थोड़ा सा देखें, इसको समझें एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी आपका आईक्यू लेवल कितना है एंड बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। चलो आज का एमसीक्यू नंबर वन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नंबर वन, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट इज मोर देन 50% इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी। लास्ट ऑप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज मेड इंडिया मोर यूनाइटेड। तो आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड अगेन, इस लेक्चर की स्पीड को प्लीज 1.5 कर देना। मैंने कई बार देखा है इट इज मैनेजेबल, काफी आराम से समझ में आ जाता है, वक्त बचता है। तो मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने अपना आंसर मेंशन कर दिया है। लेट सी व्हाट इज योर आंसर एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एक एक करके सारी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। भारत जो स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गिवन इन आर्टिकल 12। मोर देन 50% इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी, नहीं नहीं नहीं, नॉट मोर देन 50%। एनसीईआरटी में जो दिया है दैट इज 40%, अप्रॉक्सीमेटली 40%, एंड एग्जैक्टली इट इज 44%। तो हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट काफी कॉन्सेप्चुअल है बट इट इज एज इट इज मैंशनड इन द एनसीईआरटी एंड दैट इज द रीजन ये यहाँ पे डाला है। तो एनसीईआरटी में लिखा है दैट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। तो थोड़ा सा आपको सोचने में आई गेस थोड़ा परेशानी रही होगी, आपने थोड़ा इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करी होगी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, और हो सकता है कई लोगों को ये स्टेटमेंट गलत लग रहा हो, बट इन एनसीईआरटी इट इज मैंशन, राइट। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन ने जो है वो देश को यूनाइट किया है। कई सारे सिसनिस्ट जो मूवमेंट थे, चाहे वो आंध्र प्रदेश का मूवमेंट हो, राइट, चाहे वो तेलंगाना का मूवमेंट हो, तो इन सारे मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है, लिमिट किया है, और भारत को यूनाइटेड होने में काफी ज्यादा मदद रहा है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राजकीय भाषा है। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। सो एग्जैक्ट बात करें तो 44%, और अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 40%। तो 50% मैंने लिखा था, तो वो तो गलत स्टेटमेंट है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें अगर अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ा होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस। Which among of the following is true for जिला परिषद? जिला परिषद के बारे में आपको बताना है। First statement, all the gram panchayats in a given district together form जिला परिषद। Second statement, most of the members of जिला परिषद are elected। Third statement, member of the Lok Sabha and the MLAs, यानी member of legislative assemblies in that district are also the members of जिला परिषद। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। प्रेस द पॉज बटन, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट।
सो ऑप्शन सी क्या बोलता है? ऑप्शन सी बोलता है केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है आपका, पहली स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों है? लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। तो यहां पर लिखा है द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। तो पहली जो हम बात कर रहे हैं वो है बात कर रहे हैं ग्राम सभा की, ठीक है। तो जो भी वोटर्स हैं किसी भी विलेज में वो फॉर्म करेंगे आपकी ग्राम सभा, राइट, ठीक है। एंड दे मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्राम सभा का जो बजट होता है उसको कौन अप्रूव करता है? तो ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत उसको प्रेजेंट करती है ग्राम सभा के सामने और ग्राम सभा उसको अप्रूव करती है, ठीक है। अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। तो फिर क्या होगा, जैसे ही आपकी एक ग्राम सभा है फिर ऐसी ही आपकी और भी ग्राम सभाएं होंगी, ग्राम सभा टू, ग्राम सभा थ्री, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगी, ये सब मिलकर बनाएंगी आपकी पंचायत समिति, ठीक है, जिसको ब्लॉक या फिर मंडल भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया पहला लेवल, ये हो गया दूसरा लेवल, पहला लेवल हो गया ग्राम सभा, दूसरा लेवल हो गया आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या होगा, ग्राम सभा टुगेदर, राइट, दे टुगेदर विल फॉर्म पंचायत समिति, ठीक है, आया समझ में। इलेक्शन करेंगे ये लोग और इलेक्शन करके पंचायत समिति का गठन करेंगे। अब आ जाता है आपका थर्ड टीयर, तीसरा लेवल, इसमें क्या होगा, ऑल द पंचायत समितीज, यानी ये जो फॉर्म हुआ है पंचायत समितीज, राइट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समिति हैं वो क्या करेंगी, दे विल कॉन्स्टिट्यूट आपका जिला परिषद। तो जिला परिषद कौन बनाएगा, वो बनाएगा आपका पंचायत समिति, दे टुगेदर विल फॉर्म जिला परिषद। और इस जिला परिषद में क्या होगा, आपके इलेक्शंस होंगे, ठीक है, और इलेक्ट होकर लोग बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर्टिकुलर एरिया के जो मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे। दूसरा MLAs, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मोर देन वन MLA हो सकते हैं, राइट, जैसे देहरादून की बात करें तो इसमें आपकी काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं, ऋषिकेश एक विधानसभा है, डोईवाला एक विधानसभा है, तो ये जो MLAs होंगे ये भी जिला परिषद के मेंबर होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या गलती थी, यहाँ पे लिखा था कि ऑल द ग्राम पंचायत इन अ गिवन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म जिला परिषद, नहीं, ग्राम पंचायत नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था जो आपकी पंचायत समिति जो होती हैं, ठीक है, पंचायत समितीज, नॉट ग्राम सभा, पंचायत समितीज विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारे इलेक्टेड होते हैं, नहीं सारे नहीं होते, क्योंकि इसमें आपके MLAs होते हैं, इसमें आपके मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड MLAs, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, consider the following two statements, these are not two statement, काफी सारी statement है, चार statement है। पहला, in a federation the powers of the federal and provincial governments are clearly demarcated. Second, India is a federation because the powers of the union and state governments are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects. Third statement is Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. And the last statement is India is no longer a federation because some powers of the states have been devolved to the local government bodies. You have to identify the correct option. Press the pause button. Think about it. It is also a bit conceptual question. It will take a bit of time. I hope आपने अपना आंसर नीचे mention कर दिया है. Let's see what is the right answer. And the right answer is option number C. इसका मतलब ए एंड बी स्टेटमेंट ठीक है, सी और डी गलत है। एक एक करके देखते हैं। इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। हमने कई बार बोला है फेडरेशन का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अगर आपका एक टीयर से भी ज्यादा, एक लेवल से भी ज्यादा अगर आपका गवर्नमेंट है, राइट, अगर आपका टू लेवल गवर्नमेंट या थ्री लेवल गवर्नमेंट है तो उसको हम फेडरेशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक। और अगर हम एक प्योर फॉर्म ऑफ फेडरेशन की बात करें तो वहां पर तो क्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर डिवीजन। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका शेड्यूल 7 होता है आपका, तो वहां पे आपकी यूनियन लिस्ट दे रखी है, वहां पे आपकी स्टेट लिस्ट दी है, वहां पे कॉन्करेंट लिस्ट दी है, तो वहां पे क्या है, आपको बता रखा है, वहां पे आपको बता रखा है कि भैया किस मुद्दे के ऊपर कौन फैसला लेगा, ठीक है, राइट।
तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है. दूसरा, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यही मैंने अभी आपको बता दिया, बिल्कुल मेंशन है. आपके कहां पर मेंशन है? आपके शेड्यूल 7 में मेंशन है. राइट डाउन द आर्टिकल, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था शेड्यूल 7 का कौन सा आर्टिकल है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो. ठीक है, उसके बाद तो ये भी ठीक है. दूसरा, श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. नहीं नहीं नहीं, ठीक है, श्रीलंका इज नॉट अ फेडरेशन. श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं होता. उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड तो कर दिए, लेकिन अगर आपने केस स्टडी पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि दैट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिविजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज मोर इंपॉर्टेंट. यहां पे फेडरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट. डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन, क्योंकि इंडिया ने क्या कर दिया, स्टेट के बाद जो लोकल गवर्नमेंट को भी पावर बांट दिया. तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. इंडिया इज अ फेडरेशन, और जितना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करोगे उतना ज्यादा फेडरेशन फीचर्स की तरफ बढ़ोगे. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. तो यू आर लेफ्ट विद ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म फेमिनिस्ट. तो आपको बताना है फेमिनिस्ट की सही डेफिनेशन क्या है. ए ऑप्शन, देयर आर दीज आर द वुमेन हु डिमांड्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. बी ऑप्शन, दीज आर मेन एंड वुमेन हु डिमांड्स मोर राइट्स फॉर वुमेन. सी ऑप्शन, दीज आर द वुमेन हु डिमांड्स इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन. डी ऑप्शन, दीज आर द मेन एंड वुमेन हु आस्क फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन. प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इस क्या होना चाहिए, सब कुछ सिमिलर लग रहा है ना, सेम लग रहा है, बट सेम है नहीं. इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन. दीज आर द मेन एंड वुमेन हु आस्क फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन. ठीक है, कहां पर लिखा है, ये लिखा है आपके एनसीईआरटी में, अ वुमेन और अ मैन. तो फेमिनिस्ट जो है ये काफी चल भी रहा है आजकल, फेमिनिस्ट फेमिनिज्म वगैरह. तो आपको याद ये रखना है कि फेमिनिस्ट जो होता है वो वुमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है. ठीक है, तो पहला तो कीवर्ड आपको ये याद रखना है. दूसरा याद ये रखना है, दे बिलीव इन इक्वालिटी, दे बिलीव इन इक्वल राइट्स. दे आर नॉट आस्किंग फॉर मोर राइट्स फॉर वुमेन, दे आर आस्किंग फॉर इक्वालिटी, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द प्रिविलेज. इफ दे विल आस्क फॉर मोर राइट्स, इट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द प्रिविलेजेस, राइट? बट द फाइट हेयर इज नॉट फॉर द प्रिविलेजेस, फाइट हेयर इज फॉर द इक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी. तो पहले स्टेटमेंट में देखें क्या गलती है, दीज आर द वुमेन हु डिमांड्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. देखो सही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा था बेस्ट डिस्क्राइब, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है. दीज आर द वुमेन हु डिमांड्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. इक्वलिटी मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें. दीज आर मैन एंड वुमेन हु डिमांड्स फॉर मोर राइट्स, ये तो गलत हो जाता है. मोर राइट्स नहीं चाह रहे भाई, मोर राइट नहीं चाहिए, इक्वल राइट चाहिए. दीज आर द वुमेन हु डिमांड्स इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, ये भी ठीक है. लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा सही ये है क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स को कवर कर दिया, मैन वुमेन एंड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बेटर सेक्स रेशियो एज कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. क्या ऐसा है, सेकंड स्टेटमेंट. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज परफॉर्म्ड बेटर देन द सदर्न इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो. You have to identify the incorrect statement. Your options are one only, two only, both, none. Press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer. Let's see what have you opted for. And the right answer is B. Iska matlab yahan par jo B statement hai, that is wrong. Kyun? Kyunki aapse incorrect pucha tha. To iska sahi answer hoga B, yani second only. ठीक, तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बेटर सेक्स रेशियो एज कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो हेयर वी हैव अ मैप. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये देखो आप वॉयलेट कलर में दिया है ये सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें तो जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो 951, ओके वन सेकेंड, मैंने चाइल्ड सेक्स रेशियो मैंशन किया है क्या? ओके 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 ओके, दिस इज चाइल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो आएगा, मैंने सेक्स रेशियो मेंशन किया है. हालांकि फिर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा, बट यहाँ पर ये चेंज जो बनेगा वो बनेगा इधर, ये चेंज हो जाता है फिर सेक्स रेशियो में और चाइल्ड सेक्स रेशियो में, ये वाला जो फिगर है ये चेंज हो जाएगा.
तो याद रखना इट इज अबाउट चाइल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट चाइल्ड सेक्स रेशियो, नॉट सेक्स रेशियो. ठीक है, तो अब इस मैप को देखते हैं. तो इस मैप में ये कहता है कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उनका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज बेटर टू द वेस्टर्न स्टेट्स. बिल्कुल ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको. 951 एंड अबव है यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, राइट. तो 0 to 6, तो यहाँ पे क्या है आपका मेल एंड फीमेल. तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि ये जो काउंटिंग होगी 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की होगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड सेक्स रेशियो. तो पर 1000 मेल में कितनी फीमेल है, दैट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वॉयलेट कलर की, जब हम बात करें तो ये कहता है यहाँ पे 951 से अबव है, यानी पर 1000 मेल यू हैव 951 फीमेल्स. इसका मतलब यहाँ पे कंपेरेटिवली बेटर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कंपेरेटिवली बेटर है वेस्टर्न स्टेट से. जब हम राजस्थान या गुजरात स्टेट की बात करें तो यहां पर आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो मिलता है 876 से लेकर 900 के बीच में. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज परफॉर्म्ड बेटर देन द सदर्न इंडिया इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो. नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है इसका ज्यादा बेटर आपको देखने, नॉट नॉर्थ ईस्टर्न, इट्स टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न स्टेट्स. तो अब देखो नॉर्थ में आते हैं आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सो एंड सो फोर्थ. तो क्या इन्होंने साउथ के स्टेट से ज्यादा बेटर किया है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको ऐसा नहीं है. अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करो तो वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बिलो 875. हिमाचल की बात करो तो 901 से 925 है. उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ पे 876 से 900 तक के बीच में, जहाँ तक मुझे याद है उत्तराखंड में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज 890. आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उत्तराखंड में चाइल्ड सेक्स रेशियो 890 है. गूगल सर्च करो इसको एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि उत्तराखंड में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है. ठीक है, 890 जहां तक मुझे लग रहा है होना चाहिए. तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने साउथ के स्टेट से ज्यादा परफॉर्म किया. साउथ के स्टेट्स में देखो 926 से ऊपर है सब में. ठीक है, चाहे वो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया. ये कब का फिगर है, 2011 का जो सेंसस है, इसीलिए आपको इसमें तेलंगाना वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है. ये 2011 का सेंसस है. ठीक है, उस हिसाब से ये मैप ठीक है, राइट. तो अभी तो यही चलेगा क्योंकि 2021 का जो सेंसस है वो तभी रिलीज नहीं हुआ है. तो तब तक आप यही डेटा आप याद रखेंगे और कुछ खास आपको बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, राइट. सो लेट्स कम बैक टू अवर पजल, लेट्स सी क्या सही आंसर है और क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है. देखो इसको कैसे अनलॉक करेंगे, तो पहला हिंट देखते हैं. वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस, तो इन तीनों में से एक नंबर सही और अपनी जगह पर है. तो सीधी सी बात है वो दो होगा, सही भी है और अपनी जगह पे भी है. सही है एंड वेल प्लेस्ड. ठीक है, तो वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड. तो वन नंबर इज करेक्ट, तो यहां पे आ गया आपका 2 क्योंकि वेल प्लेस्ड ठीक जगह पर है. अब देखते हैं वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड. अब इन दोनों में से एक नंबर करेक्ट है लेकिन गलत जगह पर है. इसका मतलब 4 जो है वो गलत जगह पर है. अरे समझ में, 4 गलत जगह पर है. तो 4 कहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा. ठीक है, 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड. अब इसमें 2 नंबर ठीक हैं लेकिन रॉन्ग प्लेस्ड हैं, राइट. तो अब आप देखो 2 नंबर ठीक हैं, तो 4 और 2 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड. 0, 2, 4 2 नंबर्स आर करेक्ट, इनमें से 2 नंबर ठीक हैं बट रॉन्ग प्लेस्ड. तो 2 नंबर ठीक कौन कौन से होने चाहिए इसमें, इसमें होने चाहिए आपके 2 and 4. ठीक है, तो 2 जो है वो यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन भी मैच हो रही है. 4 जो है वो यहाँ पर है, इसका मतलब भी मैच हो रहा है. समझ में आ रहा है, यानी इसमें वो ये कह रहे हैं कि इस बॉक्स में 2 नंबर हैं जो कि ऊपर हैं लेकिन वो गलत जगह है, मतलब यहाँ पर गलत जगह है. तो 2 नंबर तो हो गए आपके 2 और 4. ठीक है, और रॉन्ग प्लेस मतलब 2 यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे दो जो है वो यहाँ पे तो नहीं है, और 4 जो यहाँ पे मेंशन है वो यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मैच हो जाती है. 7, 3, 8 नथिंग इज करेक्ट, ना तो ये नंबर है ना ही ये कहीं पर मेंशन है. 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस, तो अब इसमें एक नंबर तो सही है लेकिन वो रॉन्गली प्लेस है, तो ये नंबर होगा 0. 0 सही है और रॉन्गली प्लेस है क्योंकि 0 यहां पर नहीं होगा. तो 0 अगर यहां पर नहीं होगा तो कहां पर होगा, यहां पर होगा.
ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 042. लेट्स सी किस किसने सही आंसर किए हैं. आई विल गो थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड डोंट एडिट. हाँ चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू अवर सीरीज टुमारो. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. गॉड ब्लेस यू.